गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मेरे को एक ऐसा काम मिला है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मेरे को विराट कोहली को सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा उसका कहीं अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कैसे यार, उसके पास तो बाइकों का पूरा कलेक्शन है, क्यों ना इनमें से एक बाइक को मैं कोहली को ले जाने के काम में लूं। गाइस इस वाली को देखो कितनी खतरनाक लग रही है, चलो इसी को काम में लेते हैं। पर शायद कोहली नहीं चाहता हम इस बाइक पर जाए, चलो कोई ना दूसरी वाली ले लेते हैं। इस पर तो ये फटाफट बैठ गया। बस अब मेरे को सुरक्षित यहाँ से काफी दूर इसको इसकी मंजिल तक पहुँचाना होगा। पर गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा ये इतनी बारिश में जा कहाँ रहा है। चलो छोड़ो मेरे को, क्या अभी ये सामने की तरफ चक्कू लेकर कौन जा रहा है, कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं, उसने तो लोगों पर हमला कर दिया। देखो कितनी बेरहमी से उसको मार रहा है। ओ माय गॉड, वो तो हमारी तरफ ही आने लग गया। अबे साले पागल हो गया क्या, मेरे को मार क्यों रहा है, इसका कुछ तो करना ही होगा। इसकी तो टोपी नीचे गिर गई और गाइस इसका चेहरा साफ नजर आने लग गया, पर काफी भयानक लग रहा है, मेरे को इसका कुछ करना होगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो हमने इसका काम तमाम कर दिया, पता नहीं ये कौन था। चलो यहाँ से निकलने का समय हो गया। बेचारा कोहली सोच रहा होगा कि वो किसके साथ आ गया, अच्छा होगा मैं जल्दी काम खत्म कर कोहली को उसकी मंजिल पर पहुँचा दूँ। शायद वो जगह आ गई, बाइक को सीधा अंदर ले चलते हैं। मेरे को लग रहा है इस जगह पर कोई पार्टी चल रही है, अब बाइक को रोक कर मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। चलो मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं आराम से घर चला जाऊंगा और कोहली को यहाँ लाने की पेमेंट मैं बाद में ले लूंगा। पर गाइस एक बात तो मानना होगा, उसके साथ काफी मजा आया, यहाँ तो लोगों की लाइन लगी हुई है। ओ माय गॉड, वो सीरियल किलर तो वापस आ गया, कहीं यहाँ पर आकर कोहली पर हमला ना कर दे। मेरे को वापस से अंदर जाकर कोहली को इसके बारे में बताना होगा, क्योंकि उसको पता नहीं वापस वो शैतान आ गया। यार वो तो नीचे लोगों के सामने नाच रहा है, क्यों ना यहाँ से छलांग लगाकर मैं उसके पास चला जाऊं और उसको सीरियल किलर के बारे में बता दूं। पर मेरे को अकेले में कहना होगा, नहीं तो सब डर जाएंगे। ओके तो गाइस मैंने कोहली को बता दिया, पर लोगों को बिना बताए हमको यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे यहाँ पर हड़बड़ी मच जाए। अरे वाह, हमको तो देखो बाइक भी मिल गई, ये हमारे काफी काम आएगी। वो शैतान मरने के बाद वापस जिंदा कैसे हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो उस दानव की आत्मा हो, पर अचानक से वो गायब कहाँ हो गया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर आप लोग देख सकते हो हम सुरक्षित घर पहुंच गए, यहाँ पर हमको कोई खतरा नहीं। पर गाइस जो भी हो हमको अंदर चले जाना चाहिए। यार कोहली कहाँ रह गया, चलो अच्छा है उसको कुछ नहीं हुआ, शायद अब उसको आराम की जरूरत है। मेरे को उसको यहाँ छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए। ओ माय गॉड, वो सीरियल किलर तो वापस आ गया, शायद हमारा पीछा कर उसने घर का पता लगा लिया। पर अचानक से कहाँ गायब हो गया, यार ये तो घर के अंदर आकर तस्वीर में घुस गया और वापस ये गायब हो गया। ये तो सच में सीरियल किलर की आत्मा निकली और अब नौकर को मार डाला। यार ये वापस पागल हो गया, कहीं इसकी आवाज से कोहली ना जाग जाए। ओ भाई साहब, कोहली ने तो बेसबॉल की मदद से उसको जान से मार दिया, पर वो पानी क्यों बन गया, अभी ये तो पानी से वेनम में बदल गया, ऐसा कैसे हुआ। शायद उस सीरियल किलर की आत्मा अपना रूप बदल ली। हमको यहाँ से निकलना चाहिए, पर गाइस मेरे को पता नहीं बाहर हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं। अरे वाह, कोहली भी घर के बाहर आ गया, पर वो वेनम अभी भी घर के अंदर होगा। चलो मौके का फायदा उठाकर हम यहाँ से दूर चलते हैं। पर गाइस विराट कोहली तो काफी धीरे भाग रहा है, मेरे को इसको उठाकर पहले से तेज भागना होगा, वैसे वो वेनम कहीं नजर नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, इसका नाम लिया और ये आ गया। पर ये अचानक से कोहली के पड़ोसी कहाँ से आ गए, शायद हमको बचाने, पर उसको तो कुछ हो नहीं रहा। ये दोनों मिलकर मेरे को छुड़वा नहीं पा रहे, यार वो तो रुक ही नहीं रहा, मेरे को पावर से मारे जा रहा है। अरे भाई बस कर, और कितना मारेगा।
गाइस मेरे को कैसे भी करके इसके हाथों से बचकर यहाँ से भागना होगा। पर यार वो वेनम तो हम दोनों को छोड़ ही नहीं रहा, हमारा पीछा किए जा रहा है। मेरे को जल्दी कोई गाड़ी खोजना होगा। चल बे बाहर निकल, मेरे को विराट कोहली को बचाना है, शायद वेनम हमको नहीं पकड़ पाएगा। ओ भाई साहब, वो तो कार के ऊपर चढ़ गया और उछल उछल कर कार को डैमेज कर रहा है। मेरे को जल्दी बाहर कूदना होगा, शायद ऐसा करने से वो विराट को छोड़कर मेरे पीछे लग जाए। चलो मेरी वजह से कोहली तो बच जाएगा। यार कोहली तो आकर वेनम की बैंड बजाने लग गया। ये तो क्रिकेट बैट के साथ साथ घूसे भी अच्छे चला लेता है। देखो गाइस, कोहली ने बहादुरी से लड़कर वेनम को हरा दिया। अगर आपको विराट कोहली की बहादुरी पसंद आई और चाहते हो मैं धोनी के साथ वीडियो बनाऊं, तो वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।